गुरु गोविंद सिंह का 156वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। नूर आया धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज महान नूर बहारा दे जन्मदाता छेड़ा किस तरह तेरे गुलजार दी गल छिड़दी जदों अजीत ते जुझार दी गल बुढ़े अर्श दी आसमान दी कमर ना टुट जावे छेड़ी ताइयों नी अजे दी। सिखों के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश दिवस गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रातः अखंड साहब की समाप्ति के बाद हजूरी रागी भाई जसपाल सिंह जी के जत्थे द्वारा दीवान की शुरुआत गुरुवाणी कीर्तन से की गई। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, वरिष्ठ नेता भानु प्रकाश मिश्रा समेत अनेकों गणमान्य लोग शामिल हुए। मेरे प्यारे भाइयों, ये प्रकाश पर्व जो पूरे देश में नहीं दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, सच में केवल सिख समाज का कार्यक्रम नहीं है। सिख गुरुओं के बलिदान इतिहास में ऐसा धर्म और देश के लिए बलिदान कभी मिलेगा नहीं। जिन्होंने धर्म और बलिदान के लिए इतना बड़ा बलिदान पूरे परिवार का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पूरा परिवार यहाँ संगत के माध्यम से और आप सबको भी यहाँ पर बैठे हुए बहनों भाइयों को सबको पूरा इतिहास का ज्ञान है। लेकिन ये भारत की सनातन परंपरा अगर आज जीवित है और हजारों वर्षों के गुलामी के कालखंड के बाद अगर भारत की सनातन परंपरा ऐसे जीवित जागृत आगे बढ़ रही है तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूरे परिवार का, सिख गुरुओं का है। और ये पूरे भारत को ऋणी होना चाहिए। ये केवल एक सवाल है, पूरे भारत वर्ष को इस कार्यक्रम को 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक ये जो पर्व है पूरे इसको हमेशा याद रखना चाहिए। जो समाज लंबे समय तक अपने जीवित जागृत रहता है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सेलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीता गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, BPharma, MPharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक, नाउ आल्सो ऑफरिंग BBA, BCA एंड BCom कोर्सेज। KIPM गीता गोरखपुर। कार्यक्रम के संचालक सरदार मनमोहन सिंह लाडे ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बताए गए धर्म मार्ग पर चलना ही आज के समय की मांग है। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की तरफ से सभी को सम्मानित किया गया। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सरबंश दानी पिता दशमेश पातशाह साहेब कमाल साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 356वें पावन प्रकाश पर्व की सबसे पहले मैं आप मीडिया भाइयों के माध्यम से पूरे नगर वासियों को लाख लाख बधाई देता हूं। आज का ये जो दिन है हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज के दिन साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पटना की धरती में पिता गुरु तेग बहादुर माता गुजरी जी की कोख से अवतार धारण किया। आज हम उनका 356वां पावन प्रकाश पर्व सभी नगरवासियों के अपार सहयोग से गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर के तत्वाधान में मना रहे हैं, जिसमें आज सवेरे ही 10 बजे अखंड पाठ साहब की समाप्ति उपरांत हजूरी रागी सिंह मानवीय भाई साहब भाई रक्षपाल सिंह जी के जत्था, यमुनानगर से आए भाई जसविंदर सिंह जी के जत्थे और गुरमत प्रचारक
भाई सतवंत सिंह जी जो अमृतसर से विशेष पहुँचे उनके गुरमत विचार, और इस समय भाई दिलबाग सिंह जी नानक मता साहब वालों का गुरबाणी शब्द कीर्तन लगभग 2:30 बजे तक चलेगा, उपरांत अरदास होगी और पूरे गुरु का अटूट लंगर बताया जाएगा। रात का दीवान भी इसी तरह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगा, गुरबाणी शब्द कीर्तन और गुरु घर के अटूट लंगर बताए जाएंगे। रात में विशेष तौर पर आतिशबाजी का प्रोग्राम होगा। मैं मनमोहन सिंह लाडे, सचिव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आप सभी नगरवासियों को साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई देता हूँ। साथ में ही मैं आप सभी मीडिया भाइयों का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इन सारे कार्यक्रमों को कवरेज करके जन जन तक पहुँचाने की कृपा की है। मैं धन्यवादी हूँ प्रशासनिक सेवा वालों का भी जिन्होंने उस दिन शोभा यात्रा के समय इतनी समुचित व्यवस्था की थी कि हमें शोभा यात्रा निकालने में जो हर साल परेशानी होती थी इस बार तक कतई भी नहीं हुई। मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ।